नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव क्लासेस में। गाइस मेरा नाम है सनी वर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आ जाइए गाइस लाइव, फास्ट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे सितंबर 2020 के। हाँ जी यस, जय हिंद गाइस, जय हिंद, कम ऑन गाइस, सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, जो कोई पोर्शन हमसे रह गया था, जो भी हमने भी अभी तक जो डिस्कस किया है, एक आधा क्वेश्चन रह गया हो, ठीक है, तो ये मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है। फर्स्ट वीक से अभी तक का जितना भी है इसके अंदर सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट हैं, 30 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। फटाफट से हम इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं गाइस, और जो पिछली क्लासेस में डिस्कस किया उसके साथ एक कंपाइल करके इसको, जय हिंद गाइस, अपने नोटबुक में अच्छे से रखिए, लास्ट में रिवीजन के बहुत अच्छे से काम आने वाला है और आप लोग अपडेट भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। हाँ जी, थैंक यू यार गाइस, जो लोग कनेक्ट कर चुके हैं पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम अर्पित, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सो डेट आपको सारा का सारा मटेरियल वहां से आप एक्सेस कर सके। हाँ जी, थैंक यू गाइस, चलिए आइए गाइस, शाबाश, फटाफट शेयर कर दीजिए गाइस वीडियो को ताकि दूसरे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स भी इसको देख लें। स्टार्ट करते हैं गाइज आज की वीडियो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइज अनअकैडमी प्लस के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को अटेंड करने का मौका, उनसे डाउट क्लियर करने का मौका, उसके साथ साथ आप स्टडी मटेरियल भी ढेर सारे एजुकेटर्स का एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, आपको फ्रीडम भी मिलती है कि आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन चूज कर सकें अपने कोर्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मंथ्स की ड्यूरेशन चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा 4,000 रुपीज़। यहाँ पर गाइज आपको यूज़ करना है हमारा रेफरल कोड जिसका नाम है टीम अर्पित, टीम अर्पित, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट और प्राइजिंग 4,000 से डिडक्ट होकर 3,600 हो जाएगी फॉर द 3 मंथ्स, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसके साथ साथ आपको बाहर कहीं किसी के कॉन्टैक्ट में आए बिना आप पढ़ सकते हैं, अपने एजुकेटर्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनकी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। रियली चले गाइस स्टार्ट करते हैं, चले गाइस सितंबर 2020 फर्स्ट वीक से अभी तक का एमसीक्यूज है, फास्ट फॉरवर्ड हम करेंगे आज गाइस, 30 क्वेश्चंस है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी सेट अप बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कौन सी कमेटी बनाई है, उनके हेड कौन है, कमेटी बनाई है गाइस आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज कैडर जो है उसको, उसका कॉन्स्टिट्यूट कैसा होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए, उसका फ्यूचर कोर्स कैसा रहेगा, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, इसका सिविल सर्विसेज का मतलब है जो सेक्रेटेरिएट और जो क्लरिकल काम करते हैं, ठीक है, जो सिविलियंस होते हैं, ठीक है, जो आपके हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, वो कैसा होना चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूट कैसा होना चाहिए, सर्विस कैसी होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन की सर्विस होनी चाहिए, ये सब को रेकमेंड करने के लिए किसको बनाया है उस कमेटी का हेड, तो बताएंगे यहाँ पर फटाफट आंसर गाइज। थैंक यू गाइज, चलिए बताइए गाइज, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज कैडर के लिए एक कमेटी बनाई है गाइस, उसको कौन लीड कर रहा है, बिपिन रावत, बीडी शेकाटकर या फिर आर चंद्रशेखर या एएन दास, 3 मेंबर कमेटी है गाइस, ये 3 मेंबर कमेटी, जल्दी जल्दी बताना है गाइस, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ आपको, द राइट आंसर इज बीडी शेकाटकर, ये हेड कर रहे हैं गाइज, ही इज द हेड ऑफ दिस कमेटी, ओके, जो आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज कैडर को लुक आफ्टर करने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। जो दूसरे 2 मेंबर्स हैं, मेंबर्स वो है गाइस आर चंद्रशेखर एंड ए एन दास, जो ऑप्शन सी एंड डी है ये मेंबर्स हैं, लेकिन जो कमेटी के चेयरमैन हैं या हेड हैं वो है आपके बी डी शेकाटकर, राइट, बी डी शेकाटकर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए,
कम ऑन गाइस, फटाफट से, ठीक है। मैं फटाफट आगे चलूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं आऊँगा। 30 क्वेश्चंस हैं, मुझे टाइमली सारे ख़त्म करने हैं, और उसके साथ साथ मुझे 1:15 पे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास भी लेनी है, राइट। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ एस्टिमेटेड दैट इंडियाज रियल GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 विल कॉन्ट्रैक्टेड बाय 10.9%? के अंदर, यस। चलिए, क्या RBI ने बोला है, SBI ने बोला है, नीति आयोग ने बोला है, क्रिसिल ने बोला है? द राइट आंसर इज SBI। अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च रिपोर्ट ECORAP, ECORAP इज द इकोनॉमी रैप, ठीक है, उसने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, उसने बोला है कि भैया 10.9% GDP हिट होने वाली है अपना इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है, 10.9% तक कम होने वाली है, तो माइनस में जाने वाली है, उसने ये बोला है। द रिपोर्ट हैड अर्लियर एस्टिमेटेड द ग्रोथ इन रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो माइनस में रहेगी फॉर द करंट ईयर इज आल्सो हाईलाइटेड दैट ऑल द 4 quarters ऑफ विल शोकेस ओनली नेगेटिव रियल GDP ग्रोथ। इन्होंने बोला है कि 21 के अंदर भी कुछ पॉजिटिव साइन नहीं आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। तो इन्होंने बोला 21 में कुछ रियल इफेक्ट नहीं आने वाले, वो भी माइनस में रहेगी। और जो सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आप सभी को इसका मतलब मैंने बताना है, मैं एग्जैक्टली इसको बता चुका हूँ वैसे तो मेरी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन मुझे आप लोगों को फ्रेश बताना होगा। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं और कैसे ये लोग ये प्रिक्योर कैसे करा जाता है, ठीक है, कौन कौन सा जो वर्किंग है, कौन कौन से मिनरल्स है, कौन कौन से रॉक है प्राइमरी में आते हैं, कौन सी जो इकोनॉमी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है वो कौन से सेक्टर में आता है, ठीक है, तो उसको हम करेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लासेस विद इन 3-4 days हमने अटेंड करनी है दोबारा से, ठीक है। तो SBI ने गाइस रिपोर्ट बोली है, ECORAP इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ECORAP किसकी रिपोर्ट है, SBI की रिपोर्ट है, ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू चेयरमैन क्या विनीत जैन है, या अविक सरकार है, या विवेक गोयनका है, महेंद्र मोहन गुप्ता है? द राइट आंसर, आंसर्स मैंने गाइस दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्विज अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ MCQs के फॉर्मेट में अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत बोलिएगा कि आंसर दे रखे हैं ये वो, ठीक है, आंसर मैंने डेलिब्रेटली दिए हैं गाइस, इसका पर्पस है यही कि आप लोग फटाफट से देखें और याद कर लें, ठीक है। अब जब कभी भी इन फ्यूचर आपको MCQs प्रैक्टिस करना हो या एग्जाम के अंदर भी आए तो आपके सामने रिवीजन आपकी ऑलरेडी हो जाए, ठीक है जी। अविक सरकार इज द राइट आंसर, इंडियाज प्रीमियर न्यूज एजेंसी PTI हैज इलेक्टेड द वाइस चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ABP, ठीक है, उनके वाइस चेयरमैन को PTI का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। उनकी जगह, किन की जगह पर वो आए हैं, वो आए हैं विजय कुमार चोपड़ा की जगह। विजय कुमार चोपड़ा कौन थे, पंजाब केसरी ग्रुप के चीफ एडिटर, ठीक है, उनकी जगह पर आए हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में आएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। PTI के न्यू चेयरमैन अविक सरकार किसके चेयरमैन या वाइस चेयरमैन है, कौन सी कंपनी के साथ उनका वास्ता है, वो है ABP, ठीक है। गाइज मुझे बताइए कि ये जो आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन है, क्या इसको पहले अमृत बाजार पत्रिका बोला जाता था, मुझे ये जानना है, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन जो है ABP, इसको यही है क्या अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, जस्ट लेट मी नो दिस थिंग, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड ₹3,500 crores टू इंडिया, एक लोन एक्सटेंड किया है, कौन सी कंट्री ने किया है इंडिया को, जिसके अंदर भैया COVID-19 पेंडेमिक जो है उससे वो लड़ सके? तो USA, जापान, जर्मनी और रशिया। राइट आंसर हियर इज जापान। जापान ने 3,500 crore का लोन इंडिया को की लिमिट बढ़ा दी है उसने, ठीक है, कि वो अब सिचुएशन तो सारे देख रहे हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है कोविड की वजह से, ठीक है,
द फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 15 ईयर लोन. कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा? 0.01%. ठीक है, हेल्थ एंड मेडिकल पॉलिसीज के ऊपर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. हॉस्पिटल डेवलप किए जाएंगे और उसके साथ साथ ICUs को भी इक्विप्ड किया जाएगा. ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट फैसिलिटीज भी बढ़ाई जाएगी. मतलब कि आपका हॉस्पिटल के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जापान इसमें मदद करेगा. गुड मॉर्निंग गाइस. ठीक है, हु हैज रिसेंटली वॉन द वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट? नदन एंड सदर्न ओपन टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट. राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या डोमिनिक थीम? द राइट आंसर हियर इज जोकोविक. ठीक है, वर्ल्ड नंबर वन जोकोविक हैज वॉन द वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टूर्नामेंट अगेंस्ट मिलोज राउनिक. न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था. ठीक है, और ये इस विक्ट्री के साथ 35th मास्टर्स टाइटल जीत लिया है. किसने? आपके नोवाक ने. राइट, साथ साथ नोट करने को तो मैंने कभी बोला ही नहीं है आप लोगों को. मैं तो हमेशा कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एक्सेस, आप इस मटेरियल को कर सकते हैं. रात को खाना खाकर जब लेटे हो आराम से, तब इसके आपने वन लाइनर्स बनाने हैं. इसमें तो गाइज बहुत आसान सा मैंने आपको तरीका बताया है, आप उसके अंदर भी आप ओवर एग्जीग्रेट कर रहे हैं चीज़ों को. विद दिस विक्ट्री जोकोविक हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली मेल टेनिस प्लेयर टू विन एवरी मास्टर इवेंट ट्वाइस. हर इवेंट को उसने दो बार जीत लिया है जोकोविक ने. हर इवेंट को उसने दो बार जीत लिया है. इज द ओनली मेल टेनिस प्लेयर. ठीक है, और जो मिलोज रॉनिक है वो कैनेडा से है, अभी 30th रैंक है उनकी. जोकोविक जो है फर्स्ट पे है, सभी को मालूम है, मैं फेवरेट है गाइस. विच पब्लिक सेक्टर यूनिट इज सेट टू इन्वेस्ट ₹1.22 लाख करोड़ बाय 2023-24 टू अचीव 1 बिलियन टन्स ऑफ फ्यूल आउटपुट? कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 1.22 लाख करोड़? बहुत बढ़िया अमाउंट है ना. एक मीम बना था जब 20 लाख करोड़ का पैकेज पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, तो पाकिस्तान के पीएम बोल रहे थे इतने पैसे होते ही नहीं है. तो ये एक मीम आया था, कुछ ऐसे ही जस्ट मेरे साथ अभी हुआ. हाँ जी, तो कौन सी कंपनी गाइस? कोल इंडिया, ONGC, NHPC और NTPC. हाँ जी गाइस, तो राइट आंसर हियर इज, आंसर्स दिए हुए गाइस, कोल इंडिया. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा 1.22 लाख करोड़ इन वेरियस प्रोजेक्ट टू अचीव 1 बिलियन टन ऑफ फ्यूल आउटपुट. 1 बिलियन टन आउटपुट. ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 500 प्रोजेक्ट्स अभी है जो कि CIL विल इन्वेस्ट इन अ मेजर पार्ट इन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू कोल इवैक्यूएशन, माइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. 2022-23-24 तक अभी हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है. अभी हम बहुत कुछ निकाल चुके हैं ज़मीन से, तो बचा के रखना है, नहीं तो हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन कोल इंडिया ने बोला है कि भैया हम इन्वेस्ट करेंगे और 1 लाख टन्स का फ्यूल निकाल सके हम, है ना. फ्यूल ऑब्वियसली कोल. ठीक है, कोल इंडिया आल्सो पोस्टेड अ 7.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन कोल आउटपुट. ठीक है, तो पॉजिटिव नॉर्म्स इसमें चल रही है. कोल इंडिया लॉस मेकिंग में नहीं है. कौन सा इंग्लिश न्यूज चैनल देखें? कौन सा इंग्लिश न्यूज चैनल देखें? न्यूज देखनी क्यों है? न्यूज रीडिंग किया करो सुबह, आप लोग हो जाएगा. न्यूज़पेपर पढ़ा करो. ठीक है जी, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट? कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था. ठीक है, तो मॉस्को इज द राइट आंसर. SCO डिफेंस मिनिस्टर मीट हुई थी अपना
मॉस्को, ठीक है। राजनाथ सिंह गए थे उधर, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, यहाँ पर एन आएगा गाइस, MOU के आगे एन लगेगा यहाँ पर, इंग्लिश क्लासेस भी साथ साथ। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, क्या नेपाल, बांग्लादेश, फिनलैंड या म्यांमार के साथ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU। MOU जो भी साइन करके आते हैं, चाहे प्रेसिडेंट करें या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर करें, ठीक है, उसकी बकायदा उसको अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है, जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर एक MOU साइन किया था, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या है, एक दोनों मिलकर काम करेंगे। तो नेपाल, बांग्लादेश, फिनलैंड और म्यांमार, द राइट आंसर इज फिनलैंड, ठीक है, राइट आंसर इज फिनलैंड। कौन कौन सी एजेंसी इसमें काम करेगी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, दोनों एजेंसी इसमें मिलकर काम करेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्या नाम है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म प्रोग्राम्स, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, हाँ जी, देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आते हैं गाइस। टेन्योर का बड़ा पंगा रहता है, टेन्योर का मतलब है कि अगर मैं पोस्टेड हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ, या मैं मुंबई में हूँ, या नहीं मैं मुंबई का नाम नहीं लूँगा, या मैं जयपुर में हूँ या फिर मैं दिल्ली में हूँ मान लो, ठीक है, तो गाइस मैं कोई केस हैंडल कर रहा हूँ, और मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ वहाँ के इन्फ्लुएंशियल क्लास या कुछ एक दो लोगों के जो जिनका चलता है पॉलिटिक्स में नाम, उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा टर्मिनेशन तो नहीं आएगा, मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर साथ में आ जाएंगे और केस वहीं का वहीं रहेगा। तो इस रिफॉर्म से मैं ये कह सकता हूँ, ये हो सकता है कि जिसके हाथ में वो केस है उससे पहले उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, ठीक है, एक दो साल या तीन साल का टेन्योर मिले उसको, उससे पहले उनको ट्रांसफर ना किया जाए, अशोक खेम का नहीं बनना है ना, यस, हाँ। तो था सिविल सर्विसेज आपका रिफॉर्म्स, आपका मिशन कर्म योगी। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द न्यू कॉम्प्रिहेंसिव सिविल सर्विसेज रिफॉर्म प्रोग्राम नेम्ड मिशन कर्म योगी, द प्रोग्राम एम टू क्रिएट अ सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज, ऑफकोर्स इट शुड बी सिटीजन सेंट्रिक, ऑफकोर्स। अभी क्या होता है गाइस कि अब मैं क्या बोलूँ क्या होता है, विच फोकसेज ऑन बिहेवियर चेंज, एथिक्स आने चाहिए, एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, इट विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। चलिए ये तो गाइज जो मैंने बात बोली है वो नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ एथिकल चेंज की बात हो रही है कर्मयोगी के अंदर, जो मैंने पॉइंट रखा था वो तो आई थिंक नहीं है, वो तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिर्फ एथिकल एंड एटीट्यूड वाइज बिहेवियर चेंज की बात हो रही है, यस, मिशन कर्मयोगी। विच टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव ज्वाइंड इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, बाल सफेद हो गए अपने। चलिए गाइस, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने पास थोड़ी सी एस्पिरेंट्स आए, व्यूज़ आए। गाइस अपने पास व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों की फैमिली है ये, आप लोगों की ड्यूटी बनती है इस फैमिली को बढ़ाना और लोगों को इंक्लूड करना इसके अंदर, है तो टारगेट है, इस टारगेट को फटाफट पूरा कर देते। ठीक है जी, चलिए तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर लद्दाख और लक्षद्वीप, इन लोगों ने, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है।
ये गाइस जब कंप्लीट हो जाएगा ना, वन नेशन वन राशन कार्ड या वन कार्ड जो कि ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होगा, तब उस दिन डिस्कस करेंगे इसको। अभी ढेर सारी बहुत सारा टाइम लगने वाला है इसके अंदर। यस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेरी लार्ज क्रूड कैरियर हायर्ड बाय द IOC पारादीप रिफाइनरी डेट हैज़ कॉट फायर? IOC का एक क्रूड कैरियर है, उसमें आग लग गई, उसका क्या नाम है? न्यू डायमंड, ऑयल किंग, पनामा क्वीन, VLCC फाल्कन। द राइट आंसर इज, थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच, द राइट आंसर इज न्यू डायमंड। ये एक गाइस कैरियर था, क्रूड ऑयल कैरियर, जो कि IOC ने हायर किया था, IOC के पास था, पारादीप रिफाइनरी, ठीक है, उसमें आग लगी गाइस, ठीक है। चलिए इसको क्या डिस्कस करें अब। चलिए, द ऑयल टैंकर ऑफ द कैरियर न्यू डायमंड है वॉज कैरिंग क्रूड फॉल इंडियन ऑयल्स पारादीप रिफाइनरी फ्रॉम कुवैत, कुवैत से तेल आ रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही नाम बस देख लीजिए, न्यू डायमंड इज द नेम। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द ऑर्डर अगेंस्ट विच स्टेट डिसीजन फॉर कंपल्सरी इंग्लिश मीडियम इन स्कूल? किस स्टेट ने बोला कि भैया इंग्लिश कंपल्सरी कर दो स्कूल में पढ़ाना, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी स्टे लगाने से मना कर दिया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको, द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन टू मेक इंग्लिश द कंपल्सरी मीडियम ऑफ एजुकेशन इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में आंध्र प्रदेश सरकार पढ़ाना चाह रही है इंग्लिश कंपल्सरी करके, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगा दी है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने। अब वो हायर कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है उसको, ठीक है, कि स्टे नहीं लगेगी उसके ऊपर। अर्लियर YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस दैट इंग्लिश विल ओनली बी द मीडियम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 6। सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, है ना। फिलहाल उसके ऊपर रोक लग गई है। Which technology company is set to acquire US based product design firm Kaleidoscope Innovation? Kaleidoscope Innovation क्या करती है? Kaleidoscope Innovation, I have no idea regarding this. एक बार आप उसको देखें तो बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू यार, दूसरे फोन से भी लाइक कर रहे हैं आप लोग। Kaleidoscope Innovation the technology company, which technology company set to acquire US based product design firm, okay, उसको acquire कौन सी कंपनी ने किया? Infosys ने, Amazon ने, Accenture ने, या फिर TCS ने? The right answer is Infosys. Leading information technology company Infosys has entered into an agreement to acquire US based product design and development firm Kaleidoscope Innovation. चलिए ठीक है, कंपनी का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, इसको इतना जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। Kaleidoscope US कंपनी है जो कि प्रोडक्ट डिजाइन करती है, उसको इंफोसिस ने एक्वायर कर लिया है या करा है, आई डोंट नो, ठीक है। सितंबर मंथ के हैं तो अब तक हो गया होगा। दी COVID-19 RT-PCR टेस्ट किट ऑफ विच इंडियन कंपनी हैज रिसीव्ड वैलिडेशन फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया? RT-PCR किट को वैलिडेशन मिल गई है। द राइट आंसर इज, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, कौन सी लैब ने इसको बनाया है? थैंक यू यार, हाँ जी, तो माई लैब एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, उसने एक अपना PCR किट बनाई है, उसको वैलिडेशन मिल गई है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बस इसी चीज़ को आपने हाईलाइट करके रखना है, याद करना है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेटिशनर इन द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे?
गाइज आपको शायद मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आज बर्थडे है अपना कुणाल सिंह पठानिया का, तो हैप्पी बर्थडे गाइज, हैप्पी बर्थडे कुणाल सिंह पठानिया। यस गाइज, जो 13 दिसंबर 1949 पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दिए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया था और प्रियम्बल बने थे, और 1964 में बेरूबरी केस में ये आया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपके केशवनंद भारती केस, केशवनंद भारती केस के अंदर गाइस प्रियम्बल इज द वेरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हम टच करेंगे। तो एसआर बोमाई केस बाद में आए थे, ठीक है, एसआर बोमाई केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर रखा गया था, है ना, ज़्यादा वेटेज मिली थी उसको। तो गाइज यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर जो नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो इंडिया का फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे देश को चलाने के लिए, उसने अपने काम बांटे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास अपनी सरकार है, वो अपने काम को संभालेगी, तो फेडरलिज्म गाइस, ठीक है। वो अगर कहीं ना कहीं फेडरलिज्म कहीं खतरे में आता है गाइस, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर खतरे में आ जाएगा। अगर आप प्रेसिडेंट के पावर्स को एक्सटेंड करते हैं या कम करते हैं, वो भी फेडरलिज्म का हिस्सा है। आप प्राइम मिनिस्टर की पावर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, फेडरलिज्म का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर मिलती है, वो भी फेडरलिज्म का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी गवर्नमेंट के अंदर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसकी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी चेंज आता है तो फेडरलिज्म का हिस्सा है। आप उसका नाम किसी स्टेट का बदल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बांट सकते हैं, मिला सकते हैं, वो फेडरलिज्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी जो होती है वो फेडरलिज्म को चेक करती है। उसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी हालात में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बोला था आपके केशवनंद भारती केस में। तो केशवनंद भारती केस का भी डिमाइस हो गया। तो अब्यूचरी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बनता है गाइज, मैं बोलूँगा कि 80% तक वेटेज बनती है इससे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल या फिर आपका अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसका। मुझे नहीं मालूम स्कूल ओपन हो रहे हैं, आई हैव नो आइडिया स्कूल्स का यार, मुझे तो कॉलेज का भी आइडिया नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया ये केशवनंद भारती केस, पता है किसी को, बेरूबरी केस, एसआर बोमाई केस है। चलिए, अरे 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 आगे भाग गया। चलिए, द फर्स्ट एवर कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट, फर्स्ट एवर कैनबीज मेडिसिन, अच्छा ये तो पॉपुलर होने वाला है फिर, तो कौन से स्टेट में आने वाला है गाइज, या कौन से लोकेशन में आने वाला है, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम या आसाम। हाँ जी, तो राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। कई लोगों को एक बार कार्तिकेय सर से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे अमेंडमेंट या फिर बेरूबरी केस, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है, मैं भी सर को बता दूंगा कि ऐसा कुछ करंट अफेयर में आया था तो वो एक्सप्लेन कर देंगे आपको। चलिए, हाँ जी, तो यस, जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट एवर कैनबीज मेडिसिन
ठीक है, एज पर द न्यूज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ से ये न्यूज आई है कि फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सेट होने वाला है, कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM के अंदर, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट बिकम अ यूटी, ठीक है। तो FDI लगेगी इसके अंदर, कौन कर रहा है इन्वेस्ट? कैनेडा कर रहा है, ठीक है। और कैनेबिस से बनाएंगे गाइस पेन रिलीफ मेडिसिन, दर्द भगाएंगे कैनेबिस से, ठीक है। मैंने 16th क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, ओके, 16th रह गया, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? Which organization is to organize the World Solar Technology Summit? क्या उसको IAEA करेगा या फिर उसको ISA करेगा या फिर उसको United Nations Environment Program UNEP या फिर आपका FAO करेगा? Guys, solar से related है तो India का brain child है, France ने support किया, अब तक I think 150 countries के आसपास मेंबरशिप आ चुकी है, क्रेडिट लिमिट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है, ये करेगा गाइस फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जिसके अंदर ढेर सारी कंपनीज को बुलाया जाएगा, कंट्रीज को भी बुलाया जाएगा, ठीक है। 25,000 पार्टिसिपेंट्स आएंगे 149 कंट्रीज से, मैंने 150 बोला था, 149 इज हेयर, ठीक है। और गाइज यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर फ्यूल यूज नहीं होगा, रीन्यूएबल एनर्जी से आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और पोल्यूशन भी नहीं बढ़ेगा, खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी, क्लियर। कुछ भी कह लो, कुछ कुछ दो तीन बातें तो ऐसी हुई है जो कि प्राउड फील होता है बहुत जबरदस्त वाला इंडिया के ऊपर। विच टेनिस स्टार हैज बीन डिस्क्वालिफाइड इन द US ओपन 2020 रिसेंटली? अभी जो 2020 हुआ है US ओपन, उसमें से कौन से स्टार और बंदे के साथ वाकई में बुरा हो रहा है यार, है ना, होना नहीं चाहिए, तो कौन डिस्क्वालिफाई हो गया था इसमें से? कौन डिस्क्वालिफाई हो गया था? बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार, बहुत ही कूल एंड काम बंदा। द राइट आंसर इज गाइज योर नोवाक जोकोविक, डिस्क्वालीफाई हो गए थे US ओपन से, तो नहीं पहुंचे थे फाइनल तक, नहीं होता तो बंदा पहुंच जाता फाइनल तक, है ना, नहीं होता तो बंदा निकल जाता, फोर्थ राउंड में निकल गए थे बाहर, कौन? नोवाक जोकोविक, ठीक है जी। हुआ क्या था, थ्रॉट लाइन के ऊपर बॉल हिट हो गई थी आके, ठीक है, हाँ अंपायर के मार दी थी, यस, थ्रॉट लाइन के ऊपर बॉल इसने इंटेंशनली तो नहीं मारी थी, वो लग गई थी एक्सीडेंटली, ठीक है। चलिए, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सटेंडेड $82 million लोन फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जहां पर सिंगल रोड है वहां पर फोर लेन होगी, जहां फोर लेन है वहां पर सिक्स लेन हो, तो रोड को चौड़ा करना है, उसके साथ साथ पौधे भी उगाने हैं, डिवाइडर्स भी लगाने हैं, हाँ जी, नहीं मैंने नोवाक जोकोविक को बोला है नदन एंड सदन मास्टर्स कप जीता है उसने, ठीक है, वो अलग है। थैंक यू यार, हाँ जी। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने, वर्ल्ड बैंक ने दिया है हिमाचल प्रदेश को $82 million का लोन, ओके। चलिए, पत्रिका गेट डेट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी? पत्रिका गेट कहां पर है? वाराणसी में है, जयपुर, भोपाल या अहमदाबाद? पत्रिका गेट, यशराज, यशराज जी मैं क्यों इग्नोर करूंगा आपको, अरे यशराज क्या पूछना है बताइए,
तो जयपुर में है गाइस पत्रिका गेट, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, ठीक है। पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स जयपुर राजस्थान में उसका एक गेट जो पीएम मोदी ने रिलीज किया है। पीएम मोदी आल्सो रिलीज टू बुक्स रिटन बाय द ग्रुप चेयरमैन ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली परमिटेड फ्लाइट बाउंडेड टू यूएई टू फ्लाई थ्रू एयर स्पेस अंडर सऊदी अरेबिया, सॉरी आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो कौन सी कंट्री ने सऊदी अरेबिया के बाद ये बोला है दुबई जाने वाली, यूएई जाने वाली जो भी फ्लाइट है उसको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एयर स्पेस उन्होंने वहाँ पे परमिट कर दिया है, ठीक है। इन अ डिप्लोमेटिक मूव बहरीन ने किया है गाइस, ऑप्शन सी, ठीक है। बहरीन हैज़ परमिटेड ऑल फ्लाइट कमिंग टू एंड डिपार्चर फ्रॉम द यूएई टू फ्लाई थ्रू देयर एयर स्पेस, राइट। एयर स्पेस की परमिशन लेनी पड़ती है अगर उनके ऊपर से आप उड़ेंगे तो। दुबई ने परमिशन, दुबई की तरफ जो फ्लाइट जाएगी बहरीन ने परमिशन दे दी है। पीछे पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दी थी तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ता था, थोड़ा टाइम भी लगता था, फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता था, है ना। चलिए, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ये होता है गाइस 5 सितंबर को, 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ठीक है। जैसे 5 सितंबर आएगा तो चैरिटी कर देना, ठीक है। चलिए, कट ऑफ गाइस ये बताएंगे आपको ऑर्पिसन। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किसको किसको हम कमेमोरेट करते हैं, मदर टेरेसा को हम डेडिकेट करते हैं ये दिन, ठीक है। चलिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम नेम्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषण, ये इजी है। वाईएसआर रेड्डी कहाँ के सीएम थे, उसी स्टेट के। उसी स्टेट की ये है स्कीम, ठीक है। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। क्या स्कीम का नाम है, वाईएसआर संपूर्ण पोषण, इट मीन्स माल नरिशमेंट अगर है तो पूरा खाना दिया जाएगा बच्चों को। क्या क्या दिया जाएगा ये तो यार बहुत मस्त है। अंडर द स्कीम हॉट मिल्क राइस पल्सेस वेजिटेबल्स एग्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेगनेंट एंड पोस्टमार्टम वुमेन फॉर 25 डेज अ मंथ। अच्छा, वुमेन को दिया जाएगा, मुझे लगा सबको दिया जाएगा इसलिए खुश हो गया मैं। आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है इसके लिए। चलिए चलेगा इस, ठीक है। पत्रिका गेट डेट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विसिटेड, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, जयपुर में है भैया। द लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH डेट हैज सीन टेस्टेड फॉर हॉट एंड हाई वेदर कंडीशन इज डेवलप्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। LUH किसने बनाया है, LUH किसने बनाया गाइस, जिसको टेस्ट किया गया हॉट एंड हाई वेदर्स में। HAL ने बनाया है, DRDO ने बनाया है, BEL ने बनाया है या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ये HAL ने बनाया गाइस, ऑब्वियसली ये तो बहुत इजी है, HAL, ठीक है। उसने सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेट कर लिया है हाई ऑल्टीट्यूड की कैपेबिलिटीज के ऊपर, हॉट एंड हाई वेदर कंडीशंस में वो बिल्कुल अच्छे से उड़ रहा है, ठीक है, LUH। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू रिड्रेसल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, सरोद पोर्ट, सरोज पोर्ट, शिमोगा पोर्ट या फिर स्पीक पोर्ट। इस पे क्या होगा, रिड्रेसल जो कि ग्रीवियंसेस हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये बनाया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, जिसका नाम है सरोद पोर्ट, ठीक है, सरोद पोर्ट। देखते हैं इस एक्रोनिम का पूरा नाम क्या है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिडर्सल ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिडर्सल ऑफ डिस्प्यूट्स इज द फुल नेम सरोद पोर्ट। क्या है ये, एक गाइस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप
कुछ भी आपको इशू है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं और उसकी फिर बकायदा जांच हो सकती है, ठीक है, सरोद पोर्ट। ठीक है जी। व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? September 8, September 9, September 10, September 12। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है ना, कितने कितने हमने कभी सोचा भी नहीं था वो बातें सुनने को मिल रही है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब आप समझ जाइए, कम बोला है ज़्यादा समझिएगा, ठीक है। तो सुसाइड प्रिवेंशन डे, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनली, ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रिवेंशन, मतलब वर्ल्ड ओवर, इंटरनेशनली बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भैया सितंबर 10 को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये कौन बनाता है इसको? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, IASP, इसको इसके ऊपर काम करती है, है? जो WHO है वो को स्पॉन्सर है इसका, ठीक है। WHO इज अ को स्पॉन्सर। Which Union Ministry launched Climate Smart Cities Assessment Framework? Short form CSCF 2.0। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलेगा इस, हाँ जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने बनाया है एक एक फ्रेमवर्क, एक असेसमेंट बनाई है जिसका नाम है CSCAF, ठीक है। क्लाइमेट चेंज फॉर सिटीज अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स विल इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। चलिए, द एम टू प्रोवाइड अ प्लान फॉर सिटीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज वाइल इंप्लीमेंटिंग देयर एक्शंस, ठीक है। कुछ ऐसी सिटीज बनानी है कि क्लाइमेट चेंज, देखिए ये तो इंडिकेशन आ गया कि क्लाइमेट चेंज तो हम करेंगे। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि ढेर सारा फ्यूल आउटपुट होगा, वो फिर यूज़ होगा, फिर कार्बन बढ़ेगा, CFL बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज तो होगा, सरकार ने तो ये बोला है। वो तो भैया उसके लिए हम ऐसी सिटीज बनाएंगे जो उससे फाइट कर सके। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फिर उसको गाय आके खा जाएगी, है ना। या फिर लोग उसके ऊपर से ट्रैक्टर ले जाएंगे, जो कि एक फार्म इक्विपमेंट ही मैं बोलूँगा उसको, जो कि सिर्फ फार्म से बाहर नहीं आना चाहिए, और लोग उसके ऊपर डेक लगा के बजाते हुए जा रहे होते हैं ना, रिस्की है ये, इसको बाहर ही नहीं आना चाहिए, ना कंबाइन को, ना आपके ट्रैक्टर्स को, ना आपके दूसरी चीज़ों को आना ही नहीं चाहिए सड़क पे, सिर्फ फार्म में रहना चाहिए। वो फार्म की इक्विपमेंट सड़कों पे घूम रहे होते हैं, गाय घूम रही होती है। एक अभी पीछे वीडियो भी देखा था कि डिवाइडर से क्रॉस करके ले गया, बेंगलोर का था बंदा, वो बस पूरे पेड़ को कुचलती भी ले गई हैं। तो स्मार्ट सिटी कह रहे हैं ये बनाएंगे जिसके अंदर भैया क्लाइमेट चेंज होगा, और हम ऐसी सिटीज़ बनाएंगे जो क्लाइमेट चेंज को बीट करें। चलिए, हाँ जी, उनके एक्शंस को रोके ये बोल रहे हैं। थैंक यू गाइस। चलिए फटाफट एक बार, दो तीन क्वेश्चन ही रह गए हैं, दो रह गए हैं। व्हाट मे बी ग्रोथ फॉर इंडियाज GDP? मूडीज ने बोला है, तो मूडीज तो वैसे ही 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बोलता है ना, तो उसने बोला फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की कितनी GDP रहेगी? गाइस -11.5। अब ये बार बार ये चीज़ें आ रही है तो ना ऐसा अजीब सा लगता है, धक्का सा लगता है ना। चलिए, चलिए चलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं किसी अच्छी खबर की तरफ। हाँ जी, विच स्टेट UT हैज कमेंस्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम नेम्ड iGrams? iGrams इंस्टाग्राम नहीं है ये, ठीक है, कहीं इंस्टा समझो आप। कौन सी स्टेट या यूटी ने भैया एक ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोग्राम या सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम है iGram? दिल्ली ने, उत्तराखंड ने, यूपी ने, या जम्मू एंड कश्मीर ने? ठीक है, ये भैया जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है, जो कि एक ग्रीवियंस सेल है
जो कि ऑनलाइन काम करेगा, जम्मू एंड कश्मीर आईग्राम इसका नाम है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम, द सिस्टम इज स्टार्टेड ऑन अ पायलट बेसिस इन श्रीनगर, ठीक है जी। चलिए, सारे विलेजेस को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जहां सड़कें नहीं बनी वो सड़कें बनाने की बात वहाँ पे डाली जाएगी, कहीं पर पंचायत के अंदर कोई सरपंच नहीं सुन रहा है तो वो बात डाली जाएगी। उसके साथ साथ कहीं पर गाइस ज़्यादा जो लाइव स्टॉक है, जो आपके डंगर है, जो आपके पशु हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, फसलों ख़राब कर देते हैं, तो रिड्रेसल है, ये ग्रास रूट लेवल से होगा। हो गया गाइस, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जितने भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने आईग्राम एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। आप अपने फ़ोन से वहाँ पर अपने जो भी ग्रीवेंसीज है उसको आप लिख सकते हैं, उसका फिर निजात कैसे मिलेगा वो देखा जाएगा, ठीक है जी। आज के 30 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो मैं डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस लेके आता हूँ उसमें इंक्लूड नहीं किए थे, ये मैंने एक्स्ट्रा से इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार ऐड कर लेना, संडे टू संडे मैं ऐसे ही 30 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। 11:15 पे मिलते हैं गाइस दोबारा से, सॉरी 1:15 पे, 1:15 से 2 बजे तक पढ़ते हैं हम लोग। किस चीज़ को पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक्स को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आधे घंटे बाद, मैं भी पानी वगैरह पी लूँ, फिर आधे घंटे बाद मिलते हैं गाइस, ठीक है। सारे आ जाना ऑनलाइन, और वीडियो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना गाइस, कमेंट अच्छे अच्छे करना, ठीक है। चलिए गाइस, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।